दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुरभि और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। और ये है मेरा YouTube चैनल, और ये YouTube चैनल जो है जिस पे मैं आपको ऑनलाइन जॉब, रेडियो, उससे जुड़ी चीज़ें के बारे में बताती रहती हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें अपना रेडियो चैनल खोलें, यूट्यूब पर खोलें और पैसे अर्न करें, ये मैंने आपको बताया था, तो वो कैसे होगा मैं यही आपको आज बताने वाली हूँ। और ये बिल्कुल जेन्युइन है और आराम से होता है दोस्तों। इसके लिए आपको सिर्फ एक डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए आपको एक पीसफुल माहौल चाहिए है जहाँ पर बैठकर आप आराम से अपना रेडियो की तरह शो कर सकें। और ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको जब भी आप शो करेंगे तो आप टाइम फिक्स कर लीजिए अपने शो के, और उस दौरान उस तरह से शो की प्रस्तुत कीजिए, और क्योंकि वो ही मेन चीज़ होती है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाती हूँ सेटिंग्स में जाकर सेटिंग्स में जाकर जनरल होता है सेटिंग, फिर चैनल हो गया है ना, एडवांस सेटिंग, ये एडवांस सेटिंग हो गई, ब्रांडिंग हो गई, फीचर एलिजिबिलिटी हो गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, मेरा नाम आ रहा है, टैग्स आ रहे हैं, अपलोड डिफ़ॉल्ट्स भी आता है यहाँ पर, अपलोड डिफ़ॉल्ट में एडवांस सेटिंग आती है। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है कैटेगरी। अभी जो कैटेगरी आप देख रहे हैं ना, आप इसमें फिल्म, एनिमेशन, ऑटो व्हीकल्स, म्यूज़िक, एनिमल्स, पैट्स, स्पोर्ट्स, ट्रैवल इवेंट्स, गेमिंग, पीपल एंड ब्लॉग, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट है ना, हाउ टू एंड स्टाइल, एजुकेशन, साइंस, नॉन प्रॉफिट एक्टिविज्म, आप इनमें से कोई भी एक कैटेगरी चूज़ कर लीजिए जिस पर आप क्या बोल सकते हैं आराम से और इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं, वो ले लीजिए थीम, और उसके बाद आप इस पर काम शुरू कीजिए, क्योंकि मेन चीज़ यही है। और जब आप इसे ले लेते हैं तो आप उस पर बोल पाएंगे, ठीक है ना, उस पर एक थीम चूज़ करके रखनी है ताकि आपके पास सेम कंटेंट के ऑडियंस आए। तो ये मेन चीज़ है यूट्यूब चैनल को क्रिएट करके रखने के लिए, ये आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको पता है कि कॉपीराइट कंटेंट नहीं जा सकता है, यानी कॉपीराइट म्यूज़िक नहीं जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि आप कितना लंबा बोलेंगे। तो आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए और इंटरेस्टिंग, क्योंकि ताकि लोग आपके सिर्फ बोलने को सुने, है ना। म्यूज़िक हम बीच बीच में प्ले कर सकते हैं लेकिन हम फिल्मी गाने नहीं बजा सकते जैसे रेडियो शोज़ होते हैं, आप वैसा मत करिए, वैसा सोच के करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ऑडियंस को ऑडियो में ही बांध कर रखना है आपको, वीडियो इसमें एक्चुअली ये वीडियो पर चलते हैं वैसे तो, लेकिन कई बार ऑडियो भी इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि लोग ऑडियो भी सुनते हैं, उन्हें वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो ऑडियो को इतने इंटरेस्टिंग वे में प्रस्तुत करते हैं कि लोग उनके ऑडियो में ही बांध कर बैठ जाएं, रुक जाएं और उन्हें देखते रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सॉफ्टवेयर बताने वाली हूँ जिससे आप लाइव करेंगे, ठीक है। क्रिएट में आप अपलोड वीडियो भी कर सकते हैं और गो लाइव में आप जाकर ये ऑन एयर हो जाएंगे, और ये तुरंत होगा दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर से आप तुरंत लाइव कर सकते हैं क्विक, ठीक है। तो यह न्यू स्ट्रीम ओपन होती है, इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताऊंगी कैसे सॉफ्टवेयर से आप तुरंत लाइव कर सकते हैं। तो पहले आप डाउनलोड करना सीखिए कि इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, उसे कहां से डाउनलोड करते हैं, और उसके बाद हम सेकंड वीडियो में बताएंगे कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी या ऑडियो चैनल पर रेडियो स्टेशन हम अपना खोलेंगे यूट्यूब पर, ये कैसे खोलेंगे और कैसे हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलिए शुरू करते हैं ये बताना कि आप कैसे उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने YouTube चैनल पर एक ऑडियो चैनल बनाना चाहते हैं और ऑडियो लाइव ऑडियो करना चाहते हैं तो आपको लाइव ऑडियो करने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें गो लाइव पर जाना होता है, ठीक है। अब गो लाइव पर जाएंगे, ये वाला जो प्रोसेस है गो लाइव पे जाकर करने वाला मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप गो लाइव जा सकते हैं, और यूट्यूब पर ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके से होता है। तो मैंने अपने ऑलरेडी सिस्टम पर डाउनलोड कर रखा है, इसका नाम है OBS स्टूडियो। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये मैंने इसे क्लिक किया, देखिए ये OBS स्टूडियो शुरू हो चुका है मेरे सिस्टम पर। अभी इसमें से ऑलरेडी इसमें कुछ सेटिंग्स हैं, ये नाम है इसका OBS स्टूडियो 25.0.1, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके कुछ फीचर्स यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। अपडेट हम यहाँ इसको कर सकते हैं, तो ये देखिए अपडेट बोल रहा है, तो ये अपडेट कर रहा है इसे, ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम पर था तो मैंने यहाँ से आपको दिखा दिया इसे ओपन करके। अब मेन चीज़ ये है कि ये आएगा कहाँ से, तो हम चलिए गूगल पे इसे सर्च कर लेते हैं। तो
आप देख सकते हैं obsproject.com, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे क्लिक करती हूँ, इसे हमने ओपन कर लिया है, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे ऑलरेडी क्योंकि है आप यहाँ पे 32 बिट या जो भी है आपके पास। देखिए मेरे पास exe फिर से डाउनलोड होने लगी, तो जस्ट आप क्लिक करेंगे कि आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसे पॉज कर देती हूँ, और क्योंकि ऑलरेडी मेरे सिस्टम पर है और मुझे नहीं चाहिए है तो मैंने इसे हटा दिया है। तो आप इसे इस वेबसाइट पर जाकर जस्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके विंडोज़ के लिए आपका यूज़ हो जाएगा, OBS स्टूडियो है ये। अभी मेरे सिस्टम पर ये अपलोड हो चुका है, मैं इसे एक बार लॉन्च कर देती हूँ फिर मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ तो समझ जाएंगे। तो इसमें कई सारे फीचर्स हैं, इसमें फाइल है, शो रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। अगर हम इसे शो रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो यहाँ पर सेव हो जाता है, एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। फिर सेटिंग्स हैं इसकी, फिर एडिट है, एडिट में कॉपी, फिल्टर, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ऑर्डर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें बस वो ऑप्शन यूज़ करने हैं जो हम इनको जब लाइव करेंगे तब यूज़ करेंगे। तो एक जैसे इसमें स्टार्ट स्ट्रीमिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टार्ट रीप्ले बफर, स्टूडियो मोड। स्टूडियो मोड अगर करते हैं तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ये देखिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरे कंप्यूटर पे दिखेगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने लगा रखी हैं, जैसे मैंने ये लगा रखा, देखिए। तो जब ये लाइव करेगा, लाइव शुरू होगा तो मेरे लाइव पे ये चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। ये ऑलरेडी भजन का एक थीम है, इसको मैंने लाइव किया था, तो वॉइस का, तो ये आप देख सकते हैं, है ना। इसका चैनल का नाम है संगीत शिक्षा इन हिंदी, तो ये मैंने इसके ऊपर लाइव किया था, है ना। तो ये आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें जो इसमें हट जाती हैं, लग जाती हैं, आप इसमें कोई भी चीज़ का लाइव दिखा सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है OBS नाम का, जिसे आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे एक बार फिर बता देती हूँ आपको। इसके लिए गूगल पर जाना है, यूट्यूब पर आप OBS स्टूडियो भी लिखेंगे तो आप तो ये मिल जाएगा, ठीक है। आप OBS स्टूडियो लिखेंगे तो विंडोज़, है ना, जो भी आपके पास सिस्टम है आप उस पर डाउनलोड कर सकती हैं। मेरे पास विंडो है तो मैं यहाँ विंडो के लिए डाउनलोड करूँगी। ऑलरेडी मेरे पास विंडोज़ में डाउनलोड है तो मैं इसे पॉज कर देती हूँ, और मुझे ये नहीं चाहिए है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है ये सॉफ्टवेयर। तो ये इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ईजिली वर्क करता है। इसके इस्तेमाल से हम अपना जो चैनल है इस पर लाइव जा सकते हैं, और लाइव हम यहाँ से कर सकते हैं, और बहुत ईजिली हम ये वर्क करता है। तो दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ, मैं कोई लाखों की बात नहीं करती, लेकिन हाँ, मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ वो वर्क फ्रॉम होम होती हैं और काम की होती हैं। तो यूट्यूब पर काम करने के लिए दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें यूट्यूब पर काम करने से पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई एक नई थीम चुन लें, उसके बाद अपना एक चैनल क्रिएट करें। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो यूट्यूब पर वर्क करती है। तो चलिए इस बारे में और बात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी हमने आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना बताया है, इसको वर्क करना, इसका काम करना, ये काम कैसे करता है वो भी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी, और रिकॉर्ड भी करूंगी और उसको शो भी करूंगी।